सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विनीत और आप देख रहे हैं डिफेंस स्टडी चैनल। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो अपनी सिविल जज की भर्ती जारी कर दी है, तो उसी के बारे में आज का वीडियो है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा इसके नोटिफिकेशन में क्या जो इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं, इसके सिलेबस के बारे में, इसकी सैलरी के बारे में, सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, बीपीएससी रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। तो गाइस, इसका जो नेम है वो है बिहार सिविल जज रिक्रूटमेंट 2020। इसका जो एग्ज़ाम कराती है वो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका जो पोस्ट नेम है वो है 31 ज्यूडिकल सर्विस एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट 2020। ये पोस्ट का नाम है आपका, इसे क्या कहते हैं, सिविल जज। ठीक है, इसकी जो स्टार्टिंग डेट के बारे में बात करते हैं, इसकी स्टार्टिंग डेट आपकी जो है वो आपकी 12 मार्च स्टार्टिंग डेट है आपकी, और आपकी जो लास्ट डेट है आपकी, लास्ट डेट आपकी 28 मार्च 2020 है। इसकी फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट आपको 3 अप्रैल है, और इसके बाद जो फॉर्म कंप्लीट करने की लास्ट डेट आपको 13 अप्रैल तक दी जाती है। यानी आपको अच्छा खासा एक महीने से भी ऊपर का समय इसमें मिल रहा है आपको पूरा फॉर्म फिल करके सबमिट करने के लिए। इसके बाद मैं इसकी अप्लीकेशन फीस के बारे में बात करूँ तो इसकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये फीस है। यानी इसको अदर स्टेट के भी, यानी इंडिया के सभी राज्यों के जो लड़के हैं लड़कियां हैं इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए आपको 150 रुपये और फीमेल कैंडिडेट्स और पीएच कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपये है। इसकी पेमेंट करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम लोकेशन की बात करें तो इसकी एग्ज़ाम लोकेशन जो आपका होगा वो बिहार होगा। इसके बाद आपकी जो जॉब लोकेशन होगी वो भी आपकी बिहार होगी। और इसकी जो एज लिमिट के बारे में बात करें तो इसकी मिनिमम एज आपकी की 22 साल और मैक्सिमम आपकी 35 साल है, 35 ईयर, और मैक्सिमम आपकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी 40 साल की एज है। इसके बाद जो आपकी छूट मिलेगी वो मैं आपकी डिटेल्स में मैं नोटिफिकेशन में बताऊँगा। इसके बाद ये आपकी जो एज ली जाएगी वो आपको 1 अगस्त 2019 से आपकी एज ली जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपके नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसकी नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 221 पोस्ट पर भर्ती की जाएगी, आपकी 221 पदों पे भर्ती की जाएगी। इसके बाद इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को बैचलर डिग्री लॉ से, यानी LLB से होना चाहिए, किसी इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी बोर्ड से आपको LLB पास आउट होना चाहिए। इसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसके लिए आपको 10th पास मार्कशीट होना चाहिए एज प्रूफ के लिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेशन होना चाहिए 10th 12th, और आपकी जो LLB का है उसका, और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए किसी स्टेशन से। ठीक है, इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट और PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपका, और इसकी हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेड लिस्ट होगा और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा ऐसा इसमें लिखा है, बट इसमें एग्ज़ाम होगा आपकी मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। और आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ये भी लगेगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसकी नोटिफिकेशन में जाकर बात करता हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। तो गाइस, की नोटिफिकेशन ओपन हो चुकी है, ये बिहार लोक सेवा आयोग, आप देख सकते हैं ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपकी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो दी गई है। इसमें सारी डिटेल्स मैंने आपको एज लिमिट और इसके सारी बातें बता दी। अब मैं इसके सिलेबस बारे में बात करता हूँ। इसमें आपके दो प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र होगा आपका सामान्य अध्ययन, जो आपका पूर्णांक होगा 100 नंबर का, ये एग्ज़ाम होगा। फिर नेक्स्ट जो दूसरा एग्ज़ाम होगा वो उसमें विधि के लिए होता है, साइंस जनरल साइंस के लिए होगा, इसमें आपको 150 नंबर होंगे। ये आपका एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा, OMR सीट में आपको टिक करना होगा, यानी बॉल पेन से इनको कलर करना होगा। इसमें आपकी जो आएगी विषय तो उसके मैं बता दूं, इसमें आपका सामान्य अध्ययन, यानी सामान्य अध्ययन आएगा, प्रारंभिक सामान्य विज्ञान यानी एलिमेंट्री, जनरल साइंस आएगी, लॉ ऑफ एविडेंस प्रोसीड्यूस आएगा लॉ के बारे में, और भारत की संवैधानिक प्रशासनिक विधि यानी आपकी संविधान से रिलेटेड आएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद आपकी संपत्ति अंतरण विधि के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, सामान्य सिद्धांतों तो संविधा अपकृत्य विधि, वाणिज्य विधि यानी कॉमर्शियल लॉ, यानी लॉ से रिलेटेड ही इसमें क्वेश्चंस आएंगे। और जो और मैं इसमें बता दूं
कि भारत के संविधान से जो रिलेटेड आएगा इस विषय कोड आपका 6 नंबर होता है, इसमें पूर्णांक आपका 150 होता है, और इसमें जो विधि और मुस्लिम विधि हिंदू लॉ के लिए होता है इसमें 150 में कोड नंबर 7 होता है, 150 के होता है, सारे इसमें जो होगा वो 150 नंबरों का होगा। तो गाइस आपको ये वाली PDF मैं अपने नोटिफिकेशन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है और आपको सारी डिटेल्स को पढ़ लेना है। इसमें आपको आरक्षण की बात करें तो केवल आपको SC ST और जो पिछड़ा वर्ग के हैं उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद और भी चीज़ें मैं इसमें देखता हूँ आपको क्या क्या मांगा है, मैं पहले बात तो मैंने सारी डिटेल्स में पहले से ही दे रखी है। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ यार शेयर जरूर कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।